तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज है 5 जून 2020। आज का करंट अफेयर का सेशन लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था, एक होता है राजदूत और एक होता है उच्चायुक्त। उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जो देश अंग्रेजों के कभी ना कभी गुलाम रहे थे। ठीक है, और राजदूत उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जो अन्य देश अर्थात जो अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे। ठीक है, तो राजदूत जो अभी नियुक्त किया है वो सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, कुवैत की मैं बात करूं तो ये एक अरब कंट्री है। ठीक है, और कुवैत की जो राजधानी है वो कुवैत सिटी या कुवैत शहर। ठीक है, ये इसकी राजधानी है। इसकी जो करेंसी है वो दिनार, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो शबाब अल खालिद अल शबाब, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी, करेंसी यहाँ की दिनार है, शबाब अल खालिद अल शबाब यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और जो भारत का राजदूत कुवैत में नियुक्त किया गया है वो सीबी जॉर्ज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमेरिका में प्राइवेसी को लेकर, प्राइवेसी यानी गोपनीयता को लेकर गूगल पर कितने डॉलर का मुकदमा किया गया है? तो गूगल पर जो मुकदमा प्राइवेसी को लेकर क्यों किया गया है, क्योंकि जो यूजर्स होते हैं, जैसे आज के टाइम पे सभी गूगल यूजर्स हैं, जिनके पास भी एंड्रॉयड फोन है, गूगल अकाउंट है, वो गूगल यूजर है। तो उसकी जो भी डिटेल होती है, जो डेटा होता है, चाहे लोकेशन हो, चाहे उसकी और कोई डिटेल हो, वो डिटेल्स गूगल ने सेव की, तो उस बात को लेकर गूगल पर ये मुकदमा किया गया है। तो ये कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का जो न्यायालय है वहां पे ये मुकदमा किया गया है। कितने, तो ये मुकदमा कितने डॉलर का किया गया है? तो 5 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर को लेकर ये मुकदमा किया गया है। ठीक है, तो क्यों किया गया है? क्योंकि गूगल ने यूजर्स का जो डेटा है उसे काम में लिया है, तो इस प्राइवेसी को लेकर, गोपनीयता को लेकर गूगल पर यह मुकदमा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, नया राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात करूं फिनलैंड की, तो फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलसिंकी यहाँ की राजधानी है, और जो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं वो शना मरीन जो 2019 में यहाँ की प्रधानमंत्री बनी, वो विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है, 34 साल की। ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है वो फिनलैंड की शना मरीन। ठीक है, हेलसिंकी यहाँ की राजधानी है, और जो राजदूत यहाँ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारत का, वो रवीश कुमार को। ठीक है, फिनलैंड एक देश है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश ने 16 जून से चार्ज चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया
किसने लिया है? तो किस देश ने 16 जून से चार चाइनीज, देखिए चाइना अभी जो COVID-19 है इसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने मतलब पूरी दुनिया के अगेंस्ट है, ठीक है, बाकी सभी जो कंट्रीज हैं वो चाइना के खिलाफ खड़े हैं, ठीक है, तो चाइनीज एयरलाइंस, जो चार चाइनीज एयरलाइंस हैं उनको बैन किया है अमेरिका ने, किस देश ने बैन किया है? अमेरिका ने, अमेरिका ने बैन किया है। अभी हाल ही में अमेरिका ने जो चाइनीज कंपनीज हैं उनको अपने स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट से भी डिलीट किया है, हटाया है, ठीक है, तो चाइना और अमेरिका अभी बिल्कुल आमने सामने हैं इस COVID-19 के बाद में, ठीक है, तो 16 जून से ये चार चाइनीज एयरलाइंस को बैन किया है अमेरिका ने। अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यहाँ की राजधानी जो है वो वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन DC, ठीक है, वॉशिंगटन DC यहाँ की राजधानी, और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय जो उद्योग परिषद है उसका अध्यक्ष उदय कोटक, जो कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सैलून एवं ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो आधार कार्ड सैलून और ब्यूटी पार्लर में जो अनिवार्य किया है वो तमिलनाडु ने आधार कार्ड अनिवार्य इसलिए किया है क्योंकि सैलून और जो ब्यूटी पार्लर होता है उसमें पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होता है, तो इससे COVID-19 ज्यादा फैल सकता है, तो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसका पता लगाने के लिए ये आधार कार्ड अनिवार्य का तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ठीक है। जिला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिलों में मेरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है, ठीक है, वह किस देश से संबंधित है? तो ये भारत की है, जो केरल राज्य की है, केरल राज्य की जिला में मेरियट बिना हाथों की एक महिला है जिन्होंने पैरों से ड्राइविंग शुरू की है, ठीक है, पैरों से ड्राइविंग करके इन्होंने अपना लाइसेंस हासिल किया है, ये ऐसा कमाल करने वाली एशिया की पहली महिला है, ठीक है। अब बात आती है केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। अच्छा मैं ये थोड़ा भूल गया एक बार, तमिलनाडु में ये शुरू किया है, तो तमिलनाडु का आप जानते हैं राजधानी है चेन्नई यहाँ की राजधानी है, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में एप्पल इंडिया यानी भारत का कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? तो एप्पल इंडिया का कंट्री मैनेजर इस्पिता दास गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक है। एप्पल इंडिया एक अमेरिकन कंपनी है,
अमेरिकन कंपनी है जिसका भारत में जो कंट्री मैनेजर है वो इस्पिता दास गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसने किया? तो पीएम स्वनिधि जो योजना है उसका शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी जो उड्डयन मंत्री हैं, केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वासु चटर्जी तो जो थे वे एक फिल्मकार थे वासु चटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, जो जासूसी वाली फिल्म है व्योमेश बख्शी, इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वासु चटर्जी ने। ठीक है, तो ये आज का अपना सेशन था, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा और सेशन आपको पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी डाउट्स क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो या कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।